आज हम डिवाइस ड्राइवर का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो डिवाइस ड्राइवर है उसको कभी कभी ड्राइवर या हार्डवेयर ड्राइवर भी कहा जाता है। अब मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर जंप करने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद हम मेन कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब क्या होता है कि ये जो हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप होता है उसके अंदर मेजरली तीन लेयर्स होती है, हार्डवेयर लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर और एप्लीकेशन लेयर। हार्डवेयर लेयर के अंदर तुम्हारे सारे के सारे कंप्यूटर या लैपटॉप के हार्डवेयर्स आ गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर सपोज तुमने तुम्हारे लैपटॉप को कंसिडर किया तो लैपटॉप का जो इनबिल्ट वेबकैम है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा या इस लेयर में आ जाएगा। अब उसके बाद अगला लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर। इस लेयर के अंदर तुम्हारे लैपटॉप या कंप्यूटर के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिनक्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विंडोज वगैरह वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद आता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का मतलब एक ऐसा लेयर जिसकी मदद से या जिसके वजह से तुम तुम्हारे कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ इंटरैक्ट कर पाते हो। अब मैं तुम लोग को ये बताता हूँ कि ये जो तीन लेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं। देखो, सबसे पहले तुम एप्लीकेशन लेयर के मदद से तुम्हारे लैपटॉप या कंप्यूटर को कोई कमांड दोगे, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर के मदद से ही तुम तुम्हारे लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, राइट? तो तुमने एप्लीकेशन लेयर को कोई कमांड दी। एप्लीकेशन लेयर इस कमांड को ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर को देगा। तुम्हारे लैपटॉप या कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कमांड उसके पास जाएगी और वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस कमांड को, जिस भी हार्डवेयर को तुम्हें उस कमांड को देना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर को कमांड दे देगा, ठीक है? एंड देन फिर वो जो हार्डवेयर है उस कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा, राइट? इमेजिन करो, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा लैपटॉप है और उस लैपटॉप के अंदर वेबकैम है। अब तुम्हें उस वेबकैम को खोलना है, ठीक है? मतलब बेसिकली उस वेबकैम को एक्सेस करना है, कैमरा ओपन करना है एंड बाद में एक पिक्चर क्लिक करना है, ऐसा कुछ करना है तुम्हें, ठीक है? तो तुम एप्लीकेशन लेयर के मदद से, मतलब बेसिकली जो भी आइकन है तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर उसके ऊपर क्लिक करोगे, राइट? मतलब तुमने एप्लीकेशन लेयर को कमांड दे दिया। अब एप्लीकेशन लेयर उस कमांड को ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा। जो भी तुम्हारे लैपटॉप या कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम को वो कमांड जाएगा। फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को हार्डवेयर लेयर के अंदर जो भी वो हार्डवेयर होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा वेबकैम, उस वेबकैम को वो कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया जाएगा। और फिर जब वो हार्डवेयर उस कमांड को रिसीव करेगा, उस कमांड को फिर वो एग्जीक्यूट करेगा और फिर वो जो कैमरा है, वेबकैम है, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? एंड देन फिर बाद में तुम जो भी एक्शन तुम्हें परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ऐसे काम करता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये जो तीन लेयर्स है वो एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा स्मूथली क्यों काम कर पा रही है। ये तीन लेयर्स एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा स्मूथली इसीलिए काम कर पा रही है क्योंकि ये जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे इस हार्डवेयर लेयर के अंदर का जो हार्डवेयर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एज एन एग्जांपल वेबकैम को कंसिडर किया था, तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को उस वेबकैम के बारे में सारी की सारी चीज़ें पता है। उसे ये पता है कि ये कौन सा डिवाइस है, उसे ये पता है कि इस डिवाइस के क्या क्या फंक्शंस है, उसे ये पता है कि मुझे इस डिवाइस को कैसे काम में लेना है, उसे ये पता है कि ये डिवाइस मेरे अंदर यानी कि बेसिकली लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर कितना स्पेस लेने वाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम को उस हार्डवेयर डिवाइस के बारे में सारी की सारी चीज़ें पता है और इसीलिए इजीली ऑपरेटिंग सिस्टम इधर से मिलने वाले कमांड को उसको दे सकता है, ठीक है? और वो एग्जीक्यूट भी कर सकता है, उसे वो कमांड समझ में आएगा। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को उस हार्डवेयर डिवाइस के बारे में सारी की सारी चीज़ें पता है, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से उस हार्डवेयर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाता है और इसीलिए ये तीन लेयर्स एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा स्मूथली काम कर पाती है, ठीक है? अब इमेजिन करो कि तुम मार्केट में जाते हो और मार्केट से एक प्रिंटर खरीद के लेके आता हो घर पे, ठीक है? अब ये जो प्रिंटर है वो एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत ही ज़्यादा अननोन और एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर लैपटॉप या कंप्यूटर, राइट? तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम को उस हार्डवेयर डिवाइस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली अननोन फॉर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस सिचुएशन में जब तुम उस प्रिंटर को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हो तो अगेन लैपटॉप को या ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके बारे में क्योंकि कुछ पता ही नहीं होता। एंड इस सिचुएशन में अगर तुम्हारे लैपटॉप को कमांड देते हो कि तुम्हारे प्रिंटर के साथ मुझे ये करना है, तो क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को अगेन उस प्रिंटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रिंटर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता,
ठीक है, क्योंकि उसके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ये डिवाइस कौन सा है, उसको पता ही नहीं है कि ये क्या क्या फंक्शंस करता है, इसके फंक्शंस क्या क्या है, उसको ये पता ही नहीं है कि ये मेरे अंदर मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर कितना स्पेस लेने वाला है, उसको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, इसलिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, और इसीलिए जो भी तुम कमांड दोगे उस प्रिंटर के लिए वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाली, या एक गलत तरीके से एग्जीक्यूट हो सकती है या होगी। तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम हो गया, राइट? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है हमारा डिवाइस ड्राइवर। ओके, अब डिवाइस ड्राइवर कैसे काम करता है देखो, अगर हमने प्रिंटर का ही एग्जाम्पल लिया, तो जब तुम मार्केट में जाके प्रिंटर खरीदते हो तो प्रिंटर के साथ एक सीडी मिलती है, अगर तुमने ढंग से ऑब्जर्व किया होगा तो। और ये जो सीडी है वो डिवाइस ड्राइवर का काम करती है। जब तुम्हारे प्रिंटर को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हो, तब सबसे पहले तुम्हें उस सीडी को तुम्हारे लैपटॉप के अंदर डाल के उसके अंदर की चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ती है, ठीक है, विच इज़ द डिवाइस ड्राइवर, या बेसिकली कुछ फाइल्स होती है जो डिवाइस ड्राइवर की तरह एक्ट करती है। ओके, और जब तुम उस डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेते हो लैपटॉप के अंदर, वो डिवाइस ड्राइवर तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है उस प्रिंटर के बारे में, वो उसे बताता है कि भाई ये प्रिंटर क्या डिवाइस है, ये क्या काम करता है, इसके अलग अलग फंक्शंस क्या है, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तुम मतलब लैपटॉप उसे कैसे काम में ले सकता है, उसका बेस्ट यूज़ क्या है, सारी की सारी चीज़ें उस प्रिंटर के बारे में तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम को वो डिवाइस ड्राइवर बता देगा। और फिर अब तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम को उस प्रिंटर के बारे में सारी की सारी चीज़ें पता है, राइट? और फिर अब अगर तुम्हारे एप्लीकेशन लेयर के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ कमांड देते हो उस प्रिंटर के बारे में या उस प्रिंटर के लिए, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वो कमांड उसे इजीली दे पाता है, और फिर वो प्रिंटर उसे इजीली एग्जीक्यूट भी कर पाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये कहानी है। अब तुम ये भी कह सकते हो कि एक बार तो मैं प्रिंटर लेने के लिए मार्केट में गया था, बट मुझे साथ में सीडी तो मिली नहीं। रिलैक्स, जरूरी नहीं है कि हमेशा डिवाइस ड्राइवर एक सीडी के फॉर्म में ही आएगा। डिवाइस ड्राइवर किसी भी फॉर्म में आ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीडी में आ सकता है, या कभी कभी तुम्हें जिस कंपनी का वो प्रिंटर है उस कंपनी के वेबसाइट में जाके उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐसे भी हो सकता है, या कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हें कुछ इंस्टॉल भी ना करना पड़े, जब तुम उस प्रिंटर को अपने लैपटॉप के अंदर कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में वो डिवाइस ड्राइवर तुम्हारे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी होता है, राइट? तो बेसिकली ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं डिवाइस ड्राइवर को यूज करने के लिए। अब तुम्हें एक छोटी सी चीज समझने की जरूरत है, विच इज तुम्हारे लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच है, सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस के डिवाइस ड्राइवर्स होते ही है। ठीक है, अगर तुम मार्केट से तुम्हारे लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए कोई भी एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस लाते हो और उसके साथ कोई भी डिवाइस ड्राइवर नहीं आती, या उसके लिए तुम्हें लैपटॉप में या कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस हार्डवेयर डिवाइस का कोई डिवाइस ड्राइवर है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जब तुम उस डिवाइस को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करोगे, तब ऑटोमेटिकली वो डिवाइस ड्राइवर बैकग्राउंड में डाउनलोड हो जाएगा, तुम्हें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अब मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताना कि वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।